Hey guys, welcome back to मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं पूजा राव आज YT के दो ऐसे कपल के बारे में बात करने वाली हूँ जिनके लाइफ में ना पैसे तो हैं पर खुशियाँ नहीं, मकान तो है पर घर नहीं। और आज मैं बात करने वाली हूँ सचिन मनीषा के बारे में, और जी हाँ स्पेशली ना मनीषा के बारे में, जिसने आज अभी अभी कम्युनिटी डाला है कि उसके संग ना बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, और उसको पता ही नहीं है कि उसका लाइव किसने डिलीट कर दिया है और वो घर पे अकेले है। तो इसका मतलब क्या है कि सचिन भाग गया है क्या फिर से घर छोड़ के? लड़कियां भागती हैं, यहाँ तो लग रहा है मिस्टर सचिन ही भाग गए हैं। और मैं आपको बताती हूँ, उनके पड़ोसियों ने ना, अम्बाला के पड़ोसियों ने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उनके पड़ोसियों से ना जो बताया उनके बारे में, उनके रिश्ते के बारे में ना, और जगत दीदी के रिश्ते के बारे में कि ना आप सुनेंगे ना तो आपके जमीन के तले पैर खिसक जाएगा। आखिर सचिन और मनीषा इतने दिन से अम्बाला क्यों नहीं जा रहे थे, आखिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, तो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और आप देख सकते हैं गाइस, कल ना कितने दिनों बाद से ना सचिन ने ना जगत दीदी और अपने रिश्ते को कबूल किया था और उस पर ना मुहर लगाया था उनकी वाइफ यानी मनीषा ने। ये तो क्लियर हो गया था गाइस कि सचिन के तरफ से, जगत दीदी की तरफ से नहीं लेकिन सचिन की तरफ से ना ये क्लियर हो गया था कि जगत दीदी और उनका ना भाई बहन का रिश्ता नहीं है, क्योंकि मनीषा ने ना बोल ही दिया था कि जब एक पति पत्नी के बीच में जब कोई तीसरी औरत आती है ना तो घर बर्बाद हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि वो तीसरी पति पत्नी और वो तो अब ना आप जगत दीदी यानी जो मेहा आशीष तिवारी है, उनको आप क्या समझेंगे, क्या दर्जा देंगे, आप खुद समझ लीजिए। और इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना कि वो जो सरिता जी के घर ना बंद कमरे में क्या हुआ था, जिसके वजह से इतना सोशल मीडिया पे ना ड्रामे चल रहे थे। तो चलिए बात करते हैं। आज ना मैं कल ही सचिन के सपोर्ट में वीडियो बनाई थी गाइस, जो भी हुआ था ना कि सचिन के संग बहुत बुरा हुआ उसे भोपाल से ना, लेकिन अभी जो आप सुनेंगे ना, सच सुनेंगे तो आपके पैरों तले ना जमीन खिसक जाएगी, सारी गलती किसकी है, क्योंकि सचिन ने ये माइंड से ना सब कुछ सोच ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, और सिर्फ इसके पीछे एक ही रीजन है, मेहा आशीष के ना शादी तोड़वाना और क्यों तोड़वाना, ये सारे बात मैं आपको ना पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ। क्योंकि गाइस देखिए, जब उसने ये वीडियो बनाया ना कि उसके संग गलत हो रहा था, उसको बेइज्जत किया गया, तो हम लोगों ने उसके सपोर्ट में वीडियो बनाया कि हाँ उसके संग गलत हुआ, भोपाल से उसको इंसल्ट करके नहीं निकालना चाहिए था, अतिथि देवो भव होते। लेकिन एक बात बताइए, अगर सचिन इतना ही अच्छा होता, सचिन बिल्कुल फट्टू है, अगर वो इतना ही अच्छा होता तो डिलीट क्यों किया, पोस्ट को डिलीट क्यों किया, लाइव को डिलीट क्यों किया? इसका मतलब तो ये है ना कि जगत दीदी ने फिर से उसके कान भर दिए, जगत दीदी ने उसको बोल दिया कि तुम लाइव डिलीट कर दो। इसीलिए भाई बहन का ना कोई रिप्लाई वीडियो नहीं आया, नहीं तो रिएक्शन वाले के खिलाफ रिप्लाई वीडियो लेके आ जाते हैं और उनकी माँ दुआ बद्दुआ देने लगती है। तो यहाँ पे ना पूरा 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 ना सचिन ना अपने पब्लिक को ना बुद्धू बना रहा है, पागल बना दे रहा है, और वो भी ना कुछ दिन के बाद से ना लुप्त ब्लॉगर बन जाएगा, क्योंकि ना इतने ना इतना वो व्यूअर्स के साथ ना माइंडली खेल रहा है। अगर सचिन को ये बात बताना था तो पहले क्यों नहीं बताया, जब ना नेहा आशीष तिवारी ने उसका इंसल्ट किया था या उसके भाई ने, तब क्यों नहीं बताया उसने कि हाँ नेहा आशीष तिवारी ने मेरा इंसल्ट किया है या उसके भाई ने इंसल्ट किया, भोपाल में हमारे साथ ऐसा हुआ, भोपाल में हमारे साथ वैसा हुआ। अभी सोशल मीडिया पे आकर इस वक्त ऐसा क्या रीजन आ गया कि सोशल मीडिया पे उनको आकर ना अपने रिश्ते की दुहाई देनी पड़ रही है? गाइस इसके पीछे एक ही रीजन है, मुझे तो लग रहा है ना कि अब सचिन मनीषा का इस्तेमाल कर रहा है, और मनीषा है गधी, भोली, पगली, झूलन देवी, पता नहीं इसको जो भी बोलो उतना कम है, इसके पास दिमाग की कमी है। अब तो ऐसा ही गुस्सा आ रहा है मेरे को मनीषा के ऊपर, ये स्टैंड क्यों नहीं लेती है? और मुझे पता है ये स्टैंड क्यों नहीं लेती है, क्योंकि ना ये बहुत मेंटली ना डिस्टर्ब रहती है, लेकिन इसको ना डिस्टर्ब रहने से नहीं होगा, इसका फायदा उठाया जा रहा है। और ना आप जैसे भी आप सोचो, अगर इनके संग ना बुरा हुआ था तो पहले बोलते, अभी बोलने का क्या मतलब है? जब एक लड़की का शादी हो रहा है, कहीं एंगेजमेंट हो चुका है, तो इसका मतलब तो यही है कि सचिन चाहते हैं कि उस लड़की का एंगेजमेंट टूट जाए और उनका रिश्ता बना रहे, शायद यही रिश्ता हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि एक विधवा लड़की का जिसका एक बेटी है ना, उसका शादी दोबारा से शादी होना थोड़ा मुश्किल होता है, कितनी मुश्किलों से लव मैरिज या अरेंज मैरिज वो लड़की कर रही है। लेकिन आपको सचिन की बातों से ना ये भी जाननी है कि सचिन ये दिखाना चाह रहा था ना कि नेहा मतलब जो उसकी दीदी जगत दीदी उनका ना जबरदस्ती शादी करवाया जा रहा है, उनके भाई भाभी उनके पापा ने रिश्ता बताया और जबरदस्ती उनको नींद की दवाई खिलाकर सुलाया जा रहा है, उनको जबरदस्ती शादी करवाया जा रहा है। जबकि कहीं से भी जगत दीदी ना कमजोर नहीं लगती हैं, जब वो मनीषा से बात कर रही थी ना तो उनका टोन ही सुन के पता चलता है कि वो कितनी अच्छी और कितनी बुरी है।
तो कहीं से कमजोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग लेडी है। अगर स्ट्रांग नहीं होती तो आज वो यहाँ नहीं होती। तो उनको ना मतलब सचिन, मुझे तो यही लग रहा है ना कि सचिन उनका शादी तोड़वाना चाहता है और अपना और उनका रिश्ता बचाना चाहता है। ये मनीषा और उनका अपना रिश्ता, अगर ना सचिन को हम तब बोलते हैं ना कि वो सही है जब वो कल का वीडियो डाला था ना तो उसको कंटिन्यू करता, क्योंकि हम सारे लोग उसके सपोर्ट में थे। और कल क्यों उसने वीडियो, आखिर कल ही क्यों, छठ पूजा का दिन क्यों चुना उसने, छठ पूजा के दिन कंट्रोवर्सी करके फिर से लाइव वीडियो डिलीट कर दिया, तो बहुत ही गलत किया है। और क्यों किया आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी अभी मनीषा कमेंट करिए कि मैं घर में अकेले हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, तो ये कहाँ तक शोभा देता है। इसका मतलब क्या है कि सचिन फिर घर से बाहर गया है, मेरे संग गलत हो रहा है। एक एक का नाम ले लूंगी, लेकिन आप ये याद रखिएगा, मनीषा कभी भी किसी का नाम नहीं लेगी, कभी भी लाइव आकर सच नहीं बोलेगी, बातों को इधर से उधर घुमाएगी, उधर जैसे अपने खुद घूमती है ना इस घर से उस घर में, वैसे ही बातों को घुमाएगी। आज मुझे मनीषा पर बहुत गुस्सा आया है, उसको स्टैंड लेने चाहिए अप्सरा मॉम का साथ लेकर। और सचिन जो कल किया मुझे सही लगा, लेकिन ना क्यों, आखिर मेरा क्वेश्चन एक ही है कि अभी ऐसा क्या, जब इतने दिन से तुम चुप थे, तुम्हें इतनी गालियाँ पड़ी, मतलब सारे ब्लॉगर सारे रिएक्शन वाले तुमको गालियाँ दे रहे थे, तब तो तुम चुप थे, लेकिन अभी ऐसी क्या नौबत आ गई कि कल तुमने ना आकर इस सोशल मीडिया पर रोने धोने का नाटक कर दिया। अपना और उनका रिश्ता का क्लियर अट्रैक्शन है तो अफेक्शन है तो प्यार है, ये सारे चीज खुल खुल के बता दीजिए, तो भाई बहन के रिश्ता को भी आप लोगों ने बदनाम कर दिया है। तो अगर आपने जब सोच लिया कि आप एक एक बात बताओगे, डेली डेली बताओगे, तो कल का लाइव और ना कम्युनिटी क्यों डिलीट किया, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा मेरे व्यूअर्स लोग। और ना मेरा एक चीज़ है ना, मनीषा जो खुश रही है ना, मनीषा जो पीस रही है इस रिश्ते में ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई पीस रही है ना तो मनीषा ही पीस रही है। पर मनीषा को ना स्टैंड लेना चाहिए उसको अपनी ज़िंदगी में। आपने देखा होगा कि कल के ब्लॉग में ना थोड़ा बहुत तो कितना लाइव में दुखी थी, उसके बाद से ना उसका मैंने एक इंस्टा पर वीडियो देखा, उसमें थोड़ा बहुत वो खुश दिख रही थी, लेकिन मनीषा ने पूरा ही अपने तरफ से ना मोहर लगा दिया है कि वो जो जगत दीदी है ना उनके हस्बैंड के संग उनका रिलेशन था और वो शक उसका सही था। लेकिन चलिए गाइस, अभी वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही थी। और रही बात ना कि अपने वीडियो में ना सचिन राज ने बात किया और मनीषा ने, उन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी का हेल्प किया, तो एक बात बताइए मुझे, आप हेल्प किए मैं ये मानती हूँ, तो जब आप जगत दीदी और जगत भाई के लिए, जगत जीजा के लिए आप इतने 3 महीने या 2 महीने, 1 महीना से मतलब नवरात्रि से लेकर अभी तक आप गालियाँ सुन रहे थे, नवरात्रि भी आपका घर का खराब हो गया, आपकी माँ अकेले रो रो के सारा काम की, सब कुछ की, यहाँ तक कि अब छठ पूजा में मनीषा का एग्जाम था बोल के अब घर नहीं जाने सके, लेकिन आप पूजा पाठ के त्यौहार में बैठकर हम सबको अपने बारे में बताए, हम लोग इमोशनली आपसे अटैच हुए, नेहा को गलत बोले या सही बोले, या आपको गलत बोले या सही बोले, लेकिन आपने ना पूरा सोशल मीडिया पर ना लोगों को पागल बना रखा है। अभी लाइव आऊँगा आते नहीं हूँ, अभी कम्युनिटी डालेंगे, अभी सबका सच बताऊँगा बताते नहीं हूँ, जो बता देते हो बताने के 2 घंटे बाद डिलीट कर देते हो, कहीं पोस्ट करते हो उसको डिलीट, आखिर ऐसा क्यों। तो पहले आप अपने घर में क्यों नहीं सोचते। आपने बोला कि मैं उस समय इसलिए नहीं बोला ना क्योंकि उनके घर में एक प्रेग्नेंट लेडी थी, चलो मैं मानती हूँ कि उनके घर में एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका तबीयत खराब हो जाएगा, इसके वजह से आपने नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या है, अभी उनके घर में प्रेग्नेंट लेडी नहीं है, वो जो उनकी भाभी जो प्रेग्नेंट थी उनका बच्चा क्या हो गया है, इसका मतलब क्या है, अभी आपको उस प्रेग्नेंट लेडी का ध्यान क्यों नहीं आया। तो मुझे ना आप ना मुझे मनीषा से मैं फिर बोलना चाहती हूँ कि तुम्हें ना फिर से प्यार के जाल में फंसाया जा रहा है, और यहाँ पे ना मैं मनीषा को सच में बहुत मानती हूँ, लेकिन मैं मनीषा को फिर से ये वीडियो काश मनीषा के पास चले जाए, तो मेरे व्यूअर से रिक्वेस्ट है ना मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिए ना कि मनीषा के पास मेरा वीडियो जाए, और ये जो रोते रहती है ना ये देख रहे हैं उसके हंसते हुए चेहरे में भी आपको आंसू ही दिखेगा, कोई ऐसा कमेंट वीडियो नहीं होता है जिसमें ना वो अंदर से खुश दिखती है, हर वीडियो में मीशो का प्रचार करे चाहे कुछ भी करे, वो सिर्फ और सिर्फ ना अपना ब्लॉग बनाती है ताकि लोगों को ना वो कंटेंट दे सके, लेकिन वो खुश नहीं है, वो लड़की खुश नहीं है। तो मैं अभी भी बोलूँगी कि सचिन ना अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है जगत दीदी के पास पहुँचने के लिए, क्योंकि अब ना सचिन के आँखों में दिख रहा है कि वो जगत दीदी को ना कितना प्यार करता है, जगत दीदी के लिए उसके दिल में कितना एफेक्शन है, जगत दीदी के लिए कितना रिस्पेक्ट है, तो भाई बहन का तो ये रिश्ता रहा नहीं, ये तो हम मान रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए आपको, जब उसका एंगेजमेंट, तुम खुद सोचो मनीषा, जब उसका एंगेजमेंट हो गया तब तुम्हारे पति को आज
उस दिन अगर बोला होता एंगेजमेंट के बाद दिन तो समझ में आता, क्योंकि उस दिन इंसल्ट हुआ था। आज 1-1.5 महीना 2 महीना बाद तुम्हारे पति को ये बात क्यों याद आई? मुझे तो यही लग रहा है ना कि वो ना उनका शादी जगत दीदी का और जगत जीजा का ना शादी तोड़वाना चाहते हैं। आप सोचो, जगत जीजा तो चलो अपनी जगत दीदी पर विश्वास कर लेंगे, क्योंकि जगत बीबी हैं भाई, वो उनकी बीबी होने वाली हैं, तो यूट्यूब खेलना वो जानते होंगे तो मान जाएंगे। लेकिन उनके जो फैमिली मेम्बर होंगे, जो ससुराल से एक गाड़ी लोग एंगेजमेंट में आए होंगे, उनको क्या लगता होगा कि टेढ़ी मेढ़ी आंखों वाली जो बहू मिल रही है वो हमारे घर को ऐसे कर देगी, उसका किसी और लड़के के संग अफेयर चल रहा है। जो उनके पुराने ससुराल के लोग हैं, जो भी उनके देवरानी पक्ष के लोग हैं या ससुर बाड़ी के लोग हैं, ससुर घर के लोग हैं, उनको क्या लगता होगा उनकी बहू है कैसे रासलीला खेल रही है। तो अभी सचिन क्या कर रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। वो तो अभी अपनी जगत दीदी को ना खुद ही बदनाम कर रहा है, खुद ही उनकी इज्जत को उछाल रहा है। अगर यही दूसरा कोई उछाले तो आप बोलोगे उछाल रहा है। मुझे गुस्सा इस बात से आ रहा है गाइस कि अगर उसने इज्जत को उछाल दिया, उसने बोल दिया कि हाँ जगत दीदी गलत है, मेरा उनका रिश्ता था सच, मनीषा ने उस पर मुहर लगा दिया कि हाँ तीसरी औरत थी वो, ऐसी थी वैसी थी जो भी थी, तो फिर वीडियो क्यों डिलीट किया? और मनीषा को पता ही नहीं है कि उसका वीडियो कैसे डिलीट हो गया है, वो घर पे अकेले है, क्या कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? लोगों को आप लोग पागल बना रहे हैं। वो अभी लाइव आएंगे, लाइव आते नहीं हो अभी कि मनीषा का मोबाइल भी छिन गया है क्या? अगर मोबाइल छिन गया तो कम्युनिटी कैसे लिख रही है? तो मनीषा ना तुम्हें पता होना चाहिए कि यूट्यूब में जाओगी, उसके बाद से जस्ट लाइव टिपोगी और तुम लाइव हो जाओगी, तुम्हें ना कोई रोक नहीं सकता है। तो तुम अपनी मन की बातों को अगर नहीं बोलोगी ना, तो मेरी बातें तुम लिख के रख लो, एक दिन तुम मेंटली होने वाली हो और तुम पागल होने वाली हो और फुल डिप्रेशन में जाने वाली हो। उसके बाद से ना तुम्हें कोई राय नहीं देगा, कोई सुझाव नहीं देगा कोई तुम्हें। और सिर्फ यहाँ पे ना जगत दीदी का गलती नहीं है, यहाँ सचिन की भी गलती है। जितनी जगत दीदी गलत है ना, उतना सचिन भी गलत है। क्योंकि ना जब तक कोई लड़का ना हाथ नहीं बढ़ाता, एक लड़की ना उसका हाथ नहीं थाम सकती थी, और ये शादीशुदा होते उनको तो चलो वो तो विधवा थी, उनका तो हस्बैंड नहीं है, मान सकते हैं, लेकिन तुम्हारी तो बीवी थी, इतनी सुंदर बीवी थी, तो तुमने ऐसा क्यों किया? इस लड़की, तुमको थोड़ा भी मनीषा का ख्याल नहीं आया? अगर सचिन के दिल में ये डर होता ना कि मनीषा उसको छोड़ देगी, तो वो दौड़ दौड़ के ना जगत दीदी के पास मिलने नहीं जाता, और जगत दीदी को नहीं तो मनीषा को अभी भी सतर्क हो जाना चाहिए, मनीषा को अभी भी चलाक हो जाना चाहिए। मेरे बात ना शायद आप लोगों को बुरा लगे आज का वीडियो, जिनको बुरा लगता है आप लोग मुझे कमेंट करके कर देना, जिनको अच्छा लगता है ना वो भी कमेंट करना, लेकिन मैं सच में बोल रही हूँ, मनीषा के संग बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, और इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं मनीषा है, क्योंकि ना वो स्टैंड नहीं ले रही है। एक बीबी ना जब तक स्टैंड नहीं लेगी तब तक उसके संग सही नहीं होगा, और अब टाइम आ गया है ना कि मनीषा को साथ देना चाहिए। जो लाइव में बैठ कर अपना पति का साथ दे रही हो ना, वहाँ पर तुम साथ देते रह जाओगी और तुम्हारा पति तुमको ना छोड़ के फिर किसी और चिड़िया के संग ना उड़न छू हो जाएगा और ना और किसी और के, क्योंकि ना उसको कोई और अच्छा लगने लगा है ना, तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो क्योंकि ना तुम, आपको पता होना चाहिए, जब ना तुम अगर किसी का प्यार सच्चा होता है ना, तो उसको अपने तरफ टालने की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी का प्यार सच्चा नहीं है ना, तो आप कुछ भी कर लो वो आपका नहीं होगा, जिसका होना है ना उसका हो ही जाएगा। तो मनीषा से मेरा रिक्वेस्ट है कि तुम ना स्टैंड लो, अपनी बातें को क्लियर करो, नहीं तो तुम फुल डिप्रेशन में जाओगी, और तुम्हें ना अपनी दिल की बातें कहने का पूरा हक है। तुम एक लड़की हो, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे साथ देती है, तो तुम अपनी सासू माँ के साथ रहो और ना सचिन और जगत दीदी के रिश्ते का क्लियरिफिकेशन करो। क्लियरिफिकेशन तो तुमने कर दिया है, जो भी ये कल रहा है, अगर सचिन को ना वीडियो नहीं बताना था, अगर लाइव डिलीट करना था, कम्युनिटी डिलीट करना था, तो उसने छठ पूजा के दिन इतना बड़े बड़े छठी माता और वैष्णो देवी का नाम ले लेकर ना जगत दीदी के खिलाफ वीडियो क्यों बनाया? और जब बना दिया तो डिलीट क्यों किया? इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या समझे? व्यूअर्स क्या पागल हैं? और मेरी बातें लिख के रख लेना मनीषा, तुमने बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत और बहुत गालियां सुन सुन के ना आज तुमने इतने फॉलोअर्स जो बनाए हैं, तुम्हारा ही देन है कि सचिन राज फैमिली ना इतने बड़े लेवल पर, तुम्हारे घर से 10-10 ब्लॉगिंग चैनल खुल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तुम इन सारे ना व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को खो दोगी, क्योंकि ऐसी जब हरकतें करोगी ना, तो सारे लोगों का विश्वास तुमसे और तुम्हारे पति से उठता जाएगा। चलो यहाँ पे आज मैं एक प्रिंस और रंजना के ना व्यूअर्स हैं वो खुश हो जाइए। यहाँ पे ना मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, प्रिंस और रंजना को आप लोग चाहे जैसी भी हो रंजना, लेकिन आप देखते हैं ना प्रिंस उसकी तारीफ करने से नहीं थकता है, रंजना ऐसी रंजना वैसी, यहाँ तक कि ना प्रिंस की आंखों में ना रंजना के लिए प्यार दिखता है, लेकिन मिस्टर सचिन की आंखों में ना मनीषा के लिए
कभी भी प्यार नहीं दिखता, कभी भी मनीषा के लिए दिल में ना उनका, मुझे तो लगता है सच में सचिन का बस चले तो डिवोर्स दे देगा, लेकिन डिवोर्स इसलिए नहीं देता है ना ताकि उसका नाम फेम खराब हो जाएगा, और मनीषा की वजह से ही ये रिश्ता चल रहा है, नहीं तो इन रिश्ता ना बिल्कुल खोखला हो चुका है, बिल्कुल खोखला हो चुका है। अगर खोखला नहीं होता रिश्ता ना, अगर सचिन को ना सच में मनीषा से प्यार होता तो लाइव और कम्युनिटी डिलीट नहीं करता और फट्टू नहीं बनता, वो जो काम कर रहा है ना उस पर अड़ंग रहता और सच और सही साबित करता उस चीज़ को। मुझे तो अब यही लग रहा है कि वो मनीषा का इस्तेमाल कर ना जगत दीदी का शादी तोड़ना चाहता है ताकि ना जगत दीदी और इनका रिश्ता ना हमेशा बना रहे, तो इसमें जगत दीदी की कोई गलती नहीं है। अभी तो मुझे पूरा गलती सचिन का ही दिख रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ तक कि अंकल आंटी ना बूढ़े हो गए हैं फिर भी अंकल आंटी के रिश्तों में प्यार दिखता है, सचिन इनके पूरे फैमिली में प्यार दिखता है, रंजना और रंजना का तो बात ही छोड़ दीजिए, रंजना और प्रिंस का वो तो अपने बीबी बीबी बोलेगी उठो तो उठता है, बीबी बोलती है बैठो तो बैठता है, बीबी बोलती है बैठो तो प्रिंस बैठ जाता है, बीबी बोलती है तुम्हारी मम्मी काम नहीं करती तो वो जो बोलती है ना वही बोलता है प्रिंस, तो चलो एटलीस्ट इस मामले में तो रंजना लकी है ना, तो इतने दुबई जाने का इतने जगह जाने का आपका क्या फ़ायदा मिस्टर सचिन, जब आप अपनी बीबी को खुश नहीं रख सकते हो, आप बेबी प्लानिंग नहीं कर सकते हो किसी और औरत के वजह से, तो किसी और औरत पे नहीं इतना गलत इल्ज़ाम लगाओ आप, ठीक है और औरत तो गलत है लेकिन उससे ज़्यादा गलत आप हो, क्योंकि आप दो दो औरतों का दिल तोड़ रहे हो, एक तो उस औरत का और दूसरी अपनी घर की लक्ष्मी यानी मनीषा का, आप मनीषा का दिल दुखा के ना कभी कोई खुश नहीं रह पाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि इस वीडियो में कि मनीषा को स्टैंड लेना चाहिए और सचिन तुमको ना मनीषा से माफ़ी मांगना चाहिए और मनीषा के साथ तुमको खुश रहना चाहिए और जगत दीदी और जगत भैया जगत जीजा जिसके संग भी तुम्हारा जो भी रिश्ता है ना उसको कटआउट ख़त्म कर देना चाहिए, उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। अगर तुम इंसान होगे ना तो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखोगे, लेकिन तुम एज ए ब्लॉगर पैसा कमाने के लिए उनसे रिश्ता रखते हो या जो करते हो तो तुम्हारी गलत है। और अपनी बीवी के साथ खुश रहो, दूसरों की बीवी के पीछे ना ताक झांक मत करो, टेढ़ी मेढ़ी आंखों को छोड़ो, इतनी सुंदर सुंदर मनीषा के पास आंखें हैं ना उसको देखो और उससे प्यार करो, उसकी इज्जत करो, तुम्हारे घर में ना बरकत बनी रहेगी और भगवान तुम्हें बेबी जरूर देंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।